पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तैयारी करनी होगी तुम्हें, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। नाकामयाब लोग से ऐसे जलती है जैसे कि वो कुछ हो ही नहीं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती, घर पे माँ बाप सही से बात भी नहीं करते, दोस्तों में भी हमेशा की तरह वो प्यार नहीं रह जाता। एक वक्त के बाद अगर इंसान कामयाब ना हो तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। इसलिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, खुद को सफल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज नाकामयाब लोग को ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि वो कुछ हो ही नहीं। कहने के लिए माँ बाप कभी धोखा नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि 30-35 उम्र के बाद वो लोग भी ताने मारते हैं अगर ज़िंदगी में कामयाब ना हुए तो। घूम फिर कर बात सिर्फ अपने पे आ जाती है, इसलिए मेरे दोस्त कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए करना पड़ेगा तुम्हें, हर हाल में करना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन ज़िंदगी में कामयाब बन के दिखाओ। तुम बहाने मत बनाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये होता तो मैं करता, ऐसा होता तो मैं करता, ऐसा बोल के तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और मेहनत करने में लग जाओ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? जो सब कुछ पहले से पता है तो हम मेहनत क्यों करें? लेकिन मेरे दोस्त कि क्या पता किस्मत में जो लिखा है वो कोशिश करने पे ही मिले, इसलिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, हर हाल में तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। अक्सर कोई भी काम शुरू करने के पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, आगे के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने के पहले खुद को पीछे ढकेल लेते हैं। हार से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि नसीब के लिखे पे मैं भरोसा नहीं करता, मेरे पास मेहनत की कलम है, मैं अपना नसीब खुद लिखूँगा।